Hello students, good evening everyone to Banik Smart Classes. Myself Swadin sir, I'll be teaching you today's topic that is inflation. बच्चों अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं, आप 2007 का साल में आप जिम्बाब्वे पे है, उनका जो नेशनल करेंसी होता है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करेंसी और डॉलर भी बोल सकते हैं। 2007 में आप जिम्बाब्वे में हैं, आपके पास जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा करेंसी जो कि $2,000 वाला नोट है वो आपके पास है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला चीज ये है, अगर वो चीज आपके पास 10 ठो रह गया है, वो 10 ठो $2,000 पे आप एक ब्रेड भी नहीं खरीद पाएंगे। क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि ऐसा कुछ हालत हो सकता है कि एक नेशनल करेंसी जो कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन पे है और उसको लेके आप एक ब्रेड भी खरीद नहीं सकते हैं? ऐसा क्या हुआ था जिम्बाब्वे के बारे में? डरिए मत, मैं इन्फ्लेशन के बारे में ही बात कर रहा हूं। ये इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो कि 2006 में जिम्बाब्वे पे आया था, वहां पे उनका नेशनल इकोनॉमी को पूरी तरह से डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया था। तो इन्फ्लेशन के बारे में हम क्या समझेंगे? व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्ड बाई इन्फ्लेशन? Students, inflation is that condition of an economy in which the prices of general goods increases very heavily. चाहे inflation की वजह कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण से एक nation का economy में inflation आ सकता है। लेकिन हम ये class में समझेंगे कि inflation कितने types के होते हैं। Generally, inflation का दो categorization है। एक है इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है उसको लेके कुछ कैटेगराइज किया गया है, और दूसरा है इन्फ्लेशन का कॉज क्या है उसको लेके भी दो कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगराइजेशन इन्फ्लेशन को रेट को लेके, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज डिवाइडेड अमंग 4 टाइप्स। पहला है क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन, चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन। आप लोगों को अगर समझने में याद रखने में तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं, जरा इस तरह समझ जाइए कि पहले जब आदमी लंगड़ा होता है उसको हम क्रिपल बोलते हैं, लंगड़ा जब इंप्रूव हो जाता है वो चलने लगता है हम उसको बोलते हैं वॉकिंग, फिर चलने के बाद ना हम दौड़ने लगते हैं उसको बोलते हैं रनिंग, फिर जो हाइपर स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। याद रखने के लिए ये ट्रिक आप लोगों के लिए काम में आएगा। चलो उसको डिटेल्स में समझते हैं, ये चीज है क्या। मान लीजिए हाँ, अभी जो इंडिया में चल रहा है कि इन्फ्लेशन का रेट वो है 3%, मतलब क्वार्टर अन क्वार्टर हमारा जो प्राइस का गुड्स होते हैं सीपीआई का इंडेक्स में वो 3% के हिसाब से ही इंक्रीज होता है। अगर कभी इन्फ्लेशन का रेट 3% से नीचे रहा हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि इन्फ्लेशन का रेट 3% से ज्यादा होके 10% के अंदर रहा तो फिर हम उसको कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर वही रेट 10% से भी ज्यादा हो गया और वो 20% तक पहुंच गया हम उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब इन्फ्लेशन का रेट 20% से भी बढ़ सकता है। ऐसा कोई उसका अपर लिमिट नहीं होता है, लेकिन 20% से ज्यादा बढ़ गया ताकि वो 1000% 69 बिलियन% तक भी बढ़ सकता है। Are you hearing right? 69 billion%? Have ever this kind of happening occurred in the world? Yes, I'm exactly talking about Zimbabwe in 2006. In 2006, the annual inflation rate of Zimbabwe was 69 billion%. Can you imagine students? 69 billion% inflation. और एक बात मैं आपके बारे में कह रहा हूं, वो inflation के बारे में जो Zimbabwe पे हुआ था, पता है वहां पे? जो नेशनल करेंसी नहीं है वो 1 बिलियन का एक सिंगल करेंसी छापा गया था तब। 1 बिलियन का नेशनल करेंसी, एक ही करेंसी छापा गया था तब, सो एज टू कर्व द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इस टाइप्स के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द रेट्स। और एक टाइप का भी इन्फ्लेशन होता है जो कि या तो डिमांड से बनता है या तो प्राइस का इंक्रीज से बनता है। मैं क्या कह रहा हूं समझते हैं, आप मशरूम खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में। हमारा जो उड़ीसा में जो चलता है मशरूम वो होता है पैडी मशरूम। वो पैडी मशरूम आप विंटर डेज में खरीदने के लिए जा रहे हैं। पता है विंटर डेज में वो मशरूम का रेट कितना होता है? पर केजी 350 होता है। और वही मशरूम आप जब रेनी डेज में जा रहे हैं खरीदने के लिए वो बस 150 रुपए या 200 रुपए में मिल जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि विंटर डेज में मशरूम का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है और रेनी डेज में प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। तो विंटर डेज में जो प्रोडक्शन कम रह गया, लोग तो मशरूम खाएंगे ना, प्रोडक्शन कम गया लेकिन डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, मशरूम का रेट भी बढ़ गया। इसको हम कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ गया इसलिए इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, मतलब मशरूम का प्राइस बढ़ गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हमेशा डिमांड नहीं होता है, कभी कभी हमारा जो इनपुट कॉस्ट होता है वो भी कभी कभी बढ़ जाता है। जिस तरह रेनी डेज में अगर आप कहीं से सैंड खरीद रहे हैं, बालू खरीद रहे हैं, तो रेनी डेज में आपको पता होगा द ओशंस और द रिवर्स आर बीइंग फ्लडेड विद वाटर। टू एक्सट्रैक्ट द सैंड ड्यूरिंग रेनी डेज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो वहां पे क्या होता है, हम जो लेबर वेजेस लगाते हैं, हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं, दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव बन जाता है। इसलिए रेनी डेज में जब हम सैंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें इनपुट का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम जो उसको मार्केट में बेचते हैं तो वहां पे रेट बढ़ जाता है। इसको कहते हैं इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, जहां पे कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ये था इन्फ्लेशन के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। फॉर द नेक्स्ट अपडेट प्लीज स्टे ट्यून, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।